हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन ह्यूमन बींग्स। देखिए सबसे पहले तो इस वर्ड को ब्रेक डाउन कर लीजिए। देखिए जो वर्ड है डाई, डाई का मीनिंग है टू, और जो मॉर्फ है, मॉर्फ का मतलब होता है किसी भी चीज की आउटर अपीयरेंस, किसी चीज की फिजिकल अपीयरेंस। तो इस टॉपिक का मतलब है कि जो इंसान है उनमें दो फिजिकल अपीयरेंस देखने को मिलती हैं। अब वो कैसे, वो मेल और फीमेल के रूप में। अब देखिए जैसे ये मेल है और ये फीमेल है, इन दोनों को आप देख के ही बता सकते हो कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या है, ये मेल है और ये फीमेल है। तो उस क्राइटेरिया को जिसकी हेल्प से हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को सिर्फ देखने भर से बता सकें कि वो मेल है या फीमेल है, उसको बोला जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। और इंसानों में हम लोगों को ये क्राइटेरिया देखने को मिलता है। देखिए सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन ह्यूमन बींग्स, व्हेन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंशिएटेड एक्सटर्नली द फिनोमेना इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। Human beings show sexual dimorphism. The characters which distinguish the male and female externally are known as secondary sexual characters. देखिए जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की कि when male and female individuals are differentiated externally, the phenomena is called sexual dimorphism. यानी कि जब जब हम लोग किसी male और female को देख के पहचान सकें कि वो male है या female है, तो उसको बोला जाता है sexual dimorphism. जो इंसान है उनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। और वो करैक्टर्स जिनसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकें कि कोई ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स। अब जैसे इंसानों में, ह्यूमंस में जो मेल होते हैं उनमें बियर्ड होती है और मुस्टेच होती है, यानी कि दाढ़ी मूछ होती है, जो कि फीमेल्स में नहीं होती। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर है, क्योंकि इस चीज़ को देख के पता लगता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो मेल है और कौन सा फीमेल है। जैसे मेल्स हैं, मेल्स के जो शोल्डर होते हैं, मेल्स के शोल्डर ब्रॉड होते हैं, और जो फीमेल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, उनके शोल्डर उतने ब्रॉड नहीं होते। तो ये भी क्या है, ये भी एक सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर है। जो मेन है, मेन की स्किन ज़्यादा हेयरी होती है, फीमेल्स की स्किन उतनी हेयरी नहीं होती। तो इस तरह के और भी बहुत से करैक्टर हैं जिनको हम लोग देख के डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल है या फीमेल है। अब ह्यूमन बॉडी की एक्सटर्नल अपीयरेंस के बाद हम लोग आ जाते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। ह्यूमन बॉडी जो है उसकी डेवलपमेंट दो स्टेजेस में होती है, ठीक है जी। ह्यूमन बॉडी की डेवलपमेंट होती है दो स्टेजेस में, और वो है एम्ब्रियोनिक या फिर प्रीनेटल स्टेज, पोस्ट एम्ब्रियोनिक या फिर पोस्ट नेटल स्टेजेस। ये जो दो स्टेज हैं इनके थ्रू ह्यूमंस की बॉडी की डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले बात करते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड की। इन ह्यूमन बींग्स दिस पीरियड इज पास्ड इन मदर्स यूट्रस। इट इंक्लूड्स द इवेंट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो टू द टाइम ऑफ द बर्थ, ठीक है जी। एम्ब्रियोनिक पीरियड वो होता है जो कि एक फीटस का उसकी मदर के यूट्रस, उसकी वोम में गुजरता है। ये जो टाइम पीरियड है ये एक एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से लेके फीटस के बर्थ तक का होता है। अब हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो स्टेज है, ये जो है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है। देखिए दूसरा जो स्टेज है वो है पोस्ट एम्ब्रियोनिक या फिर पोस्ट नेटल पीरियड। दिस इज़ द पीरियड पास्ड आउटसाइड द मदर्स वोम, इंक्लूडिंग द इवेंट्स फ्रॉम बर्थ टू द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। वो टाइम पीरियड जो इंसान अपनी मदर की यूट्रस के बाहर बिताता है, उसके बर्थ से लेके उसकी डेथ तक, वो जो पीरियड है वो पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है। इसमें इंसान की बॉडी में आने वाले सारे चेंजेस इसी टाइम में इंक्लूड किए जाते हैं। बर्थ के बाद इंसान की बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं वो सारे के सारे पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही आते हैं। आउटर अपीयरेंस और डेवलपमेंटल पीरियड के बाद हम लोग आ जाते हैं कि कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं जिनके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका बर्थ होता है। सबसे पहला है गैमेटोजेनेसिस। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। इट इंक्लूड्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवा।
स्पर्मेटोजेनेसिस होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है जी, जो स्पर्म की फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो एग की फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं ओजेनेसिस। जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और एग, ये जो है इनको टुगेदरली हम लोग इनको बोल देते हैं गैमिटोजेनेसिस। और गैमिटोजेनेसिस जो है फर्स्ट स्टेप है रिप्रोडक्शन में, उसके बाद आता है इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म बाय द मेल इनटू जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल, यानी कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म के ट्रांसफर के प्रोसेस को बोला जाता है इंसेमिनेशन। देखिए सबसे पहले गैमीट्स फॉर्म होंगे, ये जो मेल गैमीट होते हैं वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर किए जाते हैं। गैमिटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट। जब मेल गैमीट्स फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसके बाद मेल और फीमेल गैमीट्स जो है उनका फ्यूजन होता है जिससे बनता है जाइगोट। जाइगोट जो है एक सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है जिससे कि सारा का सारा फीटस की डेवलपमेंट होनी है। गैमिटोजेनेसिस इंसेमिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद आती है क्लीवेज। इट इज़ द रैपिड माइटोटिक डिविजन्स ऑफ जाइगोट विच कन्वर्ट सिंगल सेल्ड जाइगोट इनटू मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। अब देखिए जो जाइगोट है वो सिंगल सेलुलर है, लेकिन हम ह्यूमंस जो हैं कितने कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा जाइगोट है उसमें रैपिड डिविजन्स हों ताकि उससे बहुत सारे सेल बन सकें और फिर उन सेल से स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन बन सकें। तो उन रैपिड डिवीजन तो उन डिविजन्स की जो सीरीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। तो ये फोर्थ स्टेप है रिप्रोडक्शन का। गैमिटोजेनेसिस में मेल और फीमेल गैमीट्स बने, उसके बाद इंसेमिनेशन के थ्रू उन दोनों को वो दोनों एक दूसरे के पास आए, फिर फर्टिलाइजेशन में उनका फ्यूजन हुआ, और फिर क्लीवेज के थ्रू जो हमारा जाइगोट था उससे ब्लास्टोसिस्ट बना। स्टेप है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होती है अटैचमेंट। देखिए जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट एक फ्री फ्लोटिंग बॉडी है, लेकिन जो फीटस है उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो यूट्रस की वॉल से अटैच हो, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। तो एक चीज़ याद रखनी है कि इम्प्लांटेशन में जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी अटैचमेंट हो रही है, उससे पहले वाले ये जो दो स्टेप हैं फर्टिलाइजेशन और क्लीवेज, इन दोनों स्टेप्स के दौरान जो ब्लास्टोसिस्ट था वो ट्रैवल कर रहा था फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ। इम्प्लांटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्लेसेंटेशन का। प्लेसेंटेशन जो है उसमें प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। प्लेसेंटा जो है एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, और यही जो है इसी के थ्रू मटेरियल एक्सचेंज होता है फीटस और मदर में। प्लेसेंटेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें जो ब्लास्टुला है वो गैस्ट्रुला में चेंज हो जाता है। देखिए सबसे पहले बना था जाइगोट, जाइगोट के बाद बना था ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट के बाद जो स्ट्रक्चर है वो है गैस्ट्रुला। जो जाइगोट था वो सिंगल सेलुलर था, उसके बाद जो ब्लास्टोसिस्ट था वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर था, और अब ये जो गैस्ट्रुला है इसमें तीनों ही जर्म लेयर्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन हो चुकी है। देखिए गैस्ट्रुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। देखिए जो इंसान है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसे, कि हमें तीन जर्म लेयर्स हैं जिनसे हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन बने हुए हैं। वो जो तीन जर्म लेयर्स हैं वो हैं एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। इन तीनों ही लेयर से हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन जो हैं बने हुए हैं। गैस्ट्रुलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान हमारी बॉडी की जो तीन प्राइमरी जर्म लेयर्स हैं उनसे हमारी बॉडी के स्पेसिफिक टिश्यूज और ऑर्गन बनते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है वो लास्ट स्टेप है, वो है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इन्वॉल्व्स चाइल्ड बर्थ, ठीक है जी। जो चाइल्ड का बर्थ होता है, स्पेलिंग ऑफ बेबी फ्रॉम मदर्स वोम, इसको बोला
इसको बोला जाता है पार्चुरेशन, और यही जो है रिप्रोडक्शन का लास्ट स्टेप है।